So now we are going to start with the first exercise of your chapter. Okay, so this is basically about, what is the given question? The radii of two circles is 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of the circle which has the circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. क्या बोला हुआ है हमें कि रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर ऐसा दिया हुआ है. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल. तुम्हें एक और सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है जिसका क्या होगा, सर्कमफ्रेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ये दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से इक्वल होना चाहिए बेसिकली. ओके, सपोज इसका कुछ तो है, कुछ x है, इसका कुछ तो y है. सो इन दोनों का मिला के जो नया सर्कल रेडी होगा उसका सर्कमफ्रेंस जो होगा उसकी वैल्यू तुम्हें क्या करनी है, उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है. ओके, सो हमें दिया क्या गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन. सो गिवन इज लेट से बड़ा सर्कल है, दैट इज वी हैव गिवन आर वन इज 19 सेंटीमीटर, आर टू इज 9 सेंटीमीटर. ओके, व्हाट वी नीड टू फाइंड इज द आर थ्री. व्हाट वी नीड टू फाइंड इज आर थ्री. अभी आर थ्री क्या है, दिस आर थ्री इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसका सर्कमफ्रेंस ये दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस से इक्वल हो, मतलब ये दोनों का समेशन करके जो सर्कमफ्रेंस मिलेगा उसका रेडियस जो होगा दैट विल बी योर आर थ्री. गेटिंग? सो we'll move on the solution. So circumference find out करेंगे पहले हम दोनों circles का. तो circumference वन, circumference of first circle जिसको हम क्या लिख देते हैं C1. C1 का वैल्यू क्या होगा, 2 pi r, बरोबर. सो इसको 2 pi r1 लिख देते हैं. So it is going to be 2 into pi. Pi is nothing but हम क्या लेंगे इसको 22 by 7 लेते हैं. Pi की वैल्यू क्या होती है, pi की वैल्यू ये होती है, इट कैन बी 3.14, इट कैन बी 22 by, इट कैन बी 22 by 7, एनीथिंग. यू कैन टेक एनीथिंग एज पर योर. नेक्स्ट, व्हाट इज द रेडियस, इट इज 19 सेंटीमीटर. Okay, the radius is 19 सेंटीमीटर. So as of now हम क्या करते हैं, since ये pi pi सब जगह सेम ही आने वाला है, so pi को हम pi ही रखते हैं. So it is going to be nothing but it is going to be 38 pi. It is going to be 38 pi. समझ लो. Okay, now circumference of सेकेंड सर्कल इट इज गोइंग टू बी सी टू. सो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 पाई आर टू. अगेन 2 इंटू पाई इंटू आर टू. वट इज आर टू, आर टू इज नथिंग बट 9 सेंटीमीटर. ओके, आर टू इज नथिंग बट 9 सेंटीमीटर, विच इज नथिंग बट 18 पाई. इट इज नथिंग बट 18 पाई. अभी क्या है, ये दोनों का जो वैल्यू का सर्कमफ्रेंस है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल. सो सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल जिसको मैं क्या लिख लेता हूं, आई शुड राइट इट एज सी थ्री. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन व्हाट इज शुड बी सी थ्री, सी थ्री शुड बी इक्वल टू सी टू प्लस सी वन. अब सी थ्री का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी टू पाई आर थ्री, करेक्ट. C2 इज 2 पाई R2 एंड C1 इज 2 पाई R1, करेक्ट. 2 पाई R1. अभी हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंस C3 इज गोइंग टू बी 2 पाई R3, दिस इज 2 पाई एंड R2 इंस्टेड, R2 के यहां पे क्या था 19 था, सो R2 इज गोइंग टू बी 19 एंड 2 पाई R1. R1 कितना था, 9 था. R1 is 9. So what you can see over here is this 2 pi, this 2 pi, this 2 pi gets cancelled.
सो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता, 19 इक्वल टू नथिंग बट 19 प्लस 9 बराबर, फाइनली R3 इज नथिंग बट इट इज 28 सेंटीमीटर, इट इज नथिंग बट 28 सेंटीमीटर। तुम्हें समझा है कैसे आया? सिंपली क्या किया, हमें क्या बोला हुआ था, हमें रेडियस फाइंड आउट करना था उस सर्कल का जिसका सर्कमफ्रेंस ये दोनों का समेशन हो, मतलब ये सर्कल को और ये सर्कल को समेशन करके जो तीसरा सर्कल मिलेगा उसका रेडियस फाइंड आउट करना था। सो ऑब्वियसली जो सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल इट इज समेशन ऑफ C2 प्लस C1, करेक्ट। तो C3 का फॉर्मूला क्या है, 2πr3, C2 का भी वही होगा, C1 का भी वही होगा, खाली रेडियस क्या हो रहे चेंज हो जाते हैं। तो सब में 2π क्या है कॉमन है, तो 2π कैंसिल हो गया, 2π हमने क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया। सो R3 क्या मिला, 19 प्लस 9 विच इज नथिंग बट 28 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे टाइप्स के सम जहाँ पे भी आएंगे, जहाँ पे हमको रेडियस फाइंड आउट करना है, जैसे अभी पांच सर्कल होते हैं, पांच सर्कल के सर्कमफेरेंस को हमको ऐड करके एक नया सर्कल चाहिए था जिसका रेडियस फाइंड आउट करना था, सिंपली क्या करेंगे सबके रेडियस को ऐड कर देंगे, जो वैल्यू होगा वो उसका रेडियस होगा। सो वी कैन कंक्लूड दिस फ्रॉम दैट, क्लियर। नो द नेक्स्ट सम, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल। अभी इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे दो सर्कल है, लेट से ये एक सर्कल है और एक और ये सर्कल है, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, ये दोनों सर्कल के एरिया को ऐड करके जो एरिया मिलेगा हमें उसका रेडियस निकालना है। अब तुम बोलोगे सर सिंपल, दोनों को इतना क्यों करना, 8 प्लस 6 14 होता है, तो 14 ही होगा रेडियस, बट दैट इज रॉन्ग, एरिया के केस में ये सब नहीं होता, दैट हैपेंस ओनली इन द केस ऑफ सर्कमफेरेंस। एरिया में क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा रेडियस, ओके। सो वील फाइंड आउट दैट हाउ इज दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, लेट से हम इसको अगेन R1 ले लेते, दैट इज R1 इज 8 सेंटीमीटर, R2 इज 6 सेंटीमीटर, ओके। व्हाट यू नीड टू फाइंड, व्हाट यू नीड टू फाइंड इज R3 फ्रॉम दिस, ओके। सो सॉल्यूशन, नो व्हाट इज सॉल्यूशन फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू गोइंग टू फाइंड इज, हमको एरिया का समेशन से निकालना है, तो सबसे पहले हमें ये रेडियस और ये रेडियस की जो एरिया है वो हमें वो चाहिए। सो एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर, लेट से इसको हम A1 ले लेते हैं। सो A1 इज नथिंग बट पाई R1 स्क्वायर, इट इज नथिंग बट पाई R1 स्क्वायर, सो आई कैन राइट इट एज पाई 8 स्क्वायर, इट इज नथिंग बट 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस यूनिट्स, अगर यूनिट्स नहीं लिखोगे तो एग्जाम में मार्क्स गवा बैठोगे। नाउ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, लेट से इट इज A2, सो A2 क्या होगा, सेम इट इज गोइंग टू बी पाई R2 स्क्वायर, इट इज नथिंग बट पाई R2 क्या है 6 सेंटीमीटर, तो पाई 6 का स्क्वायर, 6 6 36, सो इट इज नथिंग बट व्हाट इट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ एरिया ऑफ द न्यू सर्कल सो क्या होगा, विथ एरिया ऑफ न्यू सर्कल विथ रेडियस R3 इज गोइंग टू बी माय A3। सो A3 कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड A3, दैट इज A3 इक्वल्स टू A2 प्लस A1, A3 इक्वल्स टू A2 प्लस A1। नाउ व्हाट इज माय A2, A3 हमें फाइंड आउट करना है, सो इट इज नथिंग बट पाई R3 स्क्वायर
इक्वल्स टू पाई आर टू स्क्वायर प्लस पाई आर वन स्क्वायर. ओके, सो इसको हम हमारे पास ये वैल्यू है तो इसको वन और टू दे देते. ओके, दिस इज गोइंग टू बी माय वन एंड टू. अभी क्या करेंगे हम, जो वैल्यूज है हमारे पास, ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास ए वन और ए टू की. सो पाई आर थ्री स्क्वायर इज नथिंग बट 64 पाई प्लस 36 पाई, 56 पाई प्लस 36 पाई. सो इसको क्या करेंगे, ये कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम, दिस इज फ्रॉम वन एंड फ्रॉम टू, हमें यहाँ से मिला. सो यू नीड टू राइट दिस आउट ओवर हियर. नाउ फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन डू इज पाई पाई गेट्स कैंसल, तो क्या बचता है, आर थ्री स्क्वायर इक्वल्स टू 100. ओके, व्हाट रिमेंस, आर थ्री स्क्वायर इक्वल्स टू 100. नाउ इफ आई नीड टू फाइंड आर, अगर मुझे आर थ्री फाइंड आउट करना है तो क्या करूंगा, आर थ्री इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 100. दैट मीन्स मैंने क्या किया, जस्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. सो व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज नथिंग बट स्क्वायरिंग ऑन taking square root on both sides. I've done nothing but taking square roots on both sides. So taking square root on both sides, हमें क्या मिलेगा, R यहाँ पे, R3 is going to be nothing but 100 का square root क्या होता है, 10. So R3 is nothing but my 10th centimeter. सो यहां से हमें क्या पता चलता है, द रिक्वायर्ड रेडियस इज देयर इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर. द रिक्वायर्ड रेडियस इज नथिंग बट इट इज 10 सेंटीमीटर. क्लियर? ओके, लेट्स मूव फर्दर.